नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हाजिर हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। आज यानी 31 दिसंबर 2019, यानी कि इस साल का आज आखिरी दिन है और इस साल के आखिरी दिन की करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हैं। आज करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कुछ और भी करेंगे और वो क्या होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। हमें 2019 की जितनी भी हमारी कमजोरियां थी, नाकामियां थी, असफलताएं थी, निराशाएं थी, नकारात्मकताएं थी, कोई भी कमी थी, वो 2019 में ही छोड़ना है। कल जब हम 2020 में प्रवेश करें, 2020 में एंटर करें, नए साल में एंटर करें, तो नए जोश, नई उमंग, नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए सपनों, नए साहस के साथ प्रवेश करें। हमारी उम्मीदें बड़ी हों, हमारे सपने बड़े बड़े हों, हमारे काम करने के तरीके बड़े हों, हमारी सोच बड़ी हो, यही हमें कल के दिन से शुरुआत करनी है। हमें कोशिश करनी है कि 2020 जो है, कोशिश नहीं, साबित करना है कि 2020 हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। हमारे सपने जितने भी हैं वो सारे 2020 में पूरे होंगे, और वो तभी होंगे दोस्तों जब हम 2019 की जो हमारी कमजोरियां थी, जो हमारी कमियां थी, वो सारी की सारी आज यहीं छोड़ दें और कल एक नया सवेरा होगा, नया दिन होगा, नया साल होगा, नई उमंग होगी, नया जोश होगा। और मुझे पता है कि आपके अंदर छुपा हुआ एक नया इंसान भी होगा जो कल से एक नई शुरुआत करेगा। आज बहुत बड़ा दिन है और कल आने वाला दिन उससे भी बड़ा है। आज बड़े दिन का हम आज के हिसाब से स्वागत करें और कल के दिन का कल के हिसाब से स्वागत करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि नए साल पर आप अपने अंदर कुछ न कुछ बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे जो आपको आने वाले आपके सपनों में साकार करने में सहायता देगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के लास्ट में 2019 को हम विदाई देंगे, अपने ही हिसाब से, अपने तरीके से एक विदाई जरूर देंगे। कैसे होगी वो देखने जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको मजा आने वाला है। आज की करंट अफेयर्स के साथ साथ 2019 की विदाई भी हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले अपनी वीडियो, फिर बाद में आगे की चीजें देखते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अभी अभी भारत की पहली महिला जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती, और वो महिला रही हमारी कोनेरू हम्पी। देखो, पहली महिला है जिसने ये चेस चैंपियनशिप जीती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर हिस्सा लेते हैं। भारत की महिला प्रथम है, और व्यक्ति की बात करें तो दूसरी है। इससे पहले ये अचीवमेंट भारत के जो सबसे बड़े चेस प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, उसने हासिल की थी। और महिला के तौर पे बात करें तो ये पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चंस में, आने वाले पेपर्स में इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको कि वह पहली महिला कौन है जिसने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है, और उन इन्होंने ये जो चैंपियनशिप है ये चाइना की एक खिलाड़ी को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी तेजस ट्रेन का संचालन किन दो शहरों के बीच किया जाएगा? तेजस ट्रेन, इनकी शुरुआत हुई थी प्यारे दोस्तों 24 मई 2017 को। पहली तेजस ट्रेन चलाई गई थी 24 मई 2017 को। तेजस जो ट्रेन है, इसको एक तरीके से हम एक प्राइवेट ट्रेन कह सकते हैं। इसमें सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद है जो एक पैसेंजर को चाहिए होती हैं। मेनली ये भारत भ्रमण के लिए, भारत को देखने के लिए, या सभी सुविधाओं के साथ जो ट्रेन हो सकती है वो ट्रेन है। स्पीड की बात करें तो जो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनें हैं उसमें शामिल हैं जैसे राजधानी, शताब्दी, शक्तिमान और गतिमान जो ट्रेनें हैं उन उस कैटेगरी में आती हैं। और सुविधाओं की बात करें तो उनसे भी ऊपर इसमें सुविधाएं हैं। इसी क्रम में अभी दूसरी ट्रेन चालू की गई है। जो पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी दिल्ली से लखनऊ के बीच। देखना, ध्यान देना, पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाई गई है। अभी इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि जनवरी 2nd वीक में दूसरी ट्रेन का संचालन शुरू होगा, और वो होगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच दूसरी तेजस ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित थे? मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग खेल के बारे में थोड़ी रुचि रखते हैं उन सबको पता है कि लिएंडर पेस
क्या है। लिएंडर पेस एक बहुत फेमस चेहरा रहा है भारतीय टेनिस का। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी वर्ल्ड फेमस रही है। युगल जब भी मैच होते थे तो इनको हराना नामुमकिन समझा जाता था, लिएंडर पेस और महेश भूपति को। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा टेनिस। लिएंडर पेस टेनिस के जाने माने क्या विश्व विख्यात प्लेयर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अगला है SDG, ध्यान देना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। SDG एक इंडेक्स है, एक क्रम है, एक अंक है जिसको कौन जारी करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि SDG है क्या, ये इंडेक्स है क्या। भारत सरकार का एक विभाग है जो भारत के जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के अंदर जो शासन प्रणाली है उसकी समीक्षा करता है, उसको देखता है और उस हिसाब से ये इंडेक्स जारी करता है कि किस राज्य ने कितना अच्छा काम किया। और उसके जो क्षेत्र हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं, पॉवर्टी, हंगर, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, ऐसी चीजें जो एक आम आदमी के लिए जरूरी है, उस क्षेत्र में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कितना अच्छा कार्य किया, उस आधार पर ये इंडेक्स जारी होता है। और इसमें जो राज्य जितना अच्छा काम करेगा इंडेक्स में उतना ही ऊपर होगा। तो ये जो कार्य है इस इंडेक्स को जारी करने का, ये दिया गया है नीति आयोग को। भारत का जो नीति आयोग है वो इस काम को करता है। अब मैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया। इससे पहले इसकी जगह होता था योजना आयोग। योजना आयोग को बदल के नई सरकार जब बनी, मोदी सरकार, उन्होंने एक नया आयोग गठित किया, उसी की जगह उसको नाम दिया गया नीति आयोग। और इस नीति आयोग का काम है इंडेक्स जारी करना, ये इस इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR की फुल फॉर्म है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, पब्लिश्ड बाय, मतलब भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। पहली बात तो ये देखते हैं कि ISFR जो रिपोर्ट है ये जारी क्यों की जाती है। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य होता है सभी राज्यों में वनों की स्थिति का आकलन करना, उसका अवलोकन करना और ये जांचना कि किस राज्य में वनों का जो प्रतिशत है वो बड़ा है और किस राज्य में प्रतिशत कम हुआ है। इस आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है भारत का पर्यावरण और वन मंत्रालय। भारत का पर्यावरण और वन जो मंत्रालय है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और इस रिपोर्ट का कार्य है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम ये जांचते हैं कि किन राज्यों में वनों का प्रतिशत बढ़ा है और किन में कम हुआ है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है। महिला की बात हो रही है, इस शब्द पे ध्यान देना, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक समय बिताने वाली महिला कौन है। तो वो महिला है क्रिस्टीना कोच, जिसने अभी अभी ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था पैगी विटसन के नाम। पैगी विटसन ने अंतरिक्ष में 288 दिन बिताए थे। इसके रिकॉर्ड को कल ही क्रिस्टिना कोच ने अपने नाम किया है, मतलब 288 दिन को उसने पार कर लिया है। अगर हम बात करें सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में कौन रहा, तो वो एक नाम है याद रखना, स्कैट कैली। ये भी अमेरिका का ही एक एस्ट्रोनॉट है। इसने अंतरिक्ष में 344 दिन बिताए हैं। कुल 344 दिन इस व्यक्ति ने अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो सबसे अधिक दिन बिताने वाला ये पुरुष है। क्वेश्चन में पूछा गया है महिला, तो महिला जो है अभी कौन बनी है, क्रिस्टिना कोच। अगर दूसरी महिला जिसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा तो वो थी पेगी विटसन। और हम अगर बात करें सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, तो स्कॉट कैली सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों एवं विचारों को शाश्वत बनाए रखने हेतु गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड टू प्रिजर्व द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं थी, महात्मा गांधी के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, उनको जिंदा रखने के लिए एक देश ने अभी अभी घोषणा की कि गांधी के नाम पर गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत करेगा, और वो देश कौन सा है? पुर्तगाल है। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी, उनके आदर्शों का लोहा पूरा संसार मानता है। उसी क्रम में पुर्तगाल ने भी अपने यहाँ एक पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक द्वारा संलग्न संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी को सक्षम करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा ई नीलामी मंच का नाम क्या है? देखो, भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है, आपको पता है इस बात का, और इन्होंने एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। उसका काम होगा बैंक जो प्रॉपर्टी सीज करते हैं, देखो जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, जो बैंक से लोन लेने के बाद चुका नहीं पाते, तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, अपने अधीन ले लेता है, और फिर उसकी नीलामी होती है। उस नीलामी को ई ऑक्शन से करने के लिए, मतलब ई नीलामी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है भारत की वित्त मंत्री ने, और उसका नाम है ई बी क्रे। देखो इस पे ध्यान देना, ई बी, और ये जो शब्द है इसको लिख सकते हैं क्रय, ई बी क्रय, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बी के बाद ए है, इसमें बी के आर ए वाई है। तो सही जो आंसर है हमारा वो ये है, ई बी क्रय। इस इल ऑक्शन प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ई बी क्रय, ये आपको याद रखना है। चलिए ना अगला देखें क्वेश्चन। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, वो किसने लिखी? फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक का कुछ दिन पहले विमोचन किया गया था भारत के चेन्नई से। चेन्नई में इस बुक को रिलीज किया गया, प्रकाशित किया गया, विमोचन किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति थे साइमन टॉफल, ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस अंपायर रहे हैं। बहुत लंबा समय तक इन्होंने क्रिकेट को दिया एज ए अंपायर, और कई साल तक लगातार इन्होंने बेस्ट एम्पायर का अवार्ड भी जीता। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद बुक लिखी जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स, और इसका लॉन्च, इसका रिलीज, इसका विमोचन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आज का क्वेश्चन ले लेते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारे लिए क्या, आपके लिए क्या रहेगा। आज 31 दिसंबर है, और आज के दिन से भारत में एक नए पद का सृजन हुआ है, उसका नाम है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और पहला जो सीडीएस होगा वो कौन बनेगा ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद, बिपिन रावत और राकेश कुमार सिंह। इनमें से क्या, कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। कल मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा कि सीडीएस क्या है और कौन बनेगा। कल की वीडियो में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि सीडीएस कौन होगा पहले। चलिए अब हम साल 2019 को बाय बाय बोल देते हैं। साल 2000 चलिए ये था 2019 का विदाई और 2020 का आगमन। बड़ा फनी छोटा सा वीडियो था जो हमने YouTube से ही लिया है, जिन्होंने ये भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। और चला जाएगा, नया दिन आएगा, और नया दिन नई उमंग, नया जोश लेके आएगा, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कल से नए दिन की शुरुआत करनी है, नए सपनों को संजोना है और नई ताकत के साथ उठना है। आज के दिन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मैं आपसे मिलूंगा नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और शुक्रिया। हाँ, जाते जाते एक बात और, कि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक बनता है, एक तो आज तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर आज तो बनता है, आज जरूर कर दीजिएगा। चलिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।